खबर यह है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद इस वक्त जारी है और 24 घंटे में मुल्क भर में SOPs की 8,382 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं, जिन पर जुर्माना भी किया गया। फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। 24 घंटों में 862 मार्केट्स, दुकानें और 6 इंडस्ट्री सील्स और जुर्माने आयद किए गए हैं। मुल्क भर में SOPs के खिलाफ वर्जी पर 1,437 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने हुए। इस्लामाबाद में SOPs की 30 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई है, जिस पर 22 मार्केट्स, दुकानें सील और 5 ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माना किया गया। आजाद कश्मीर में SOPs की 596 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई, जिस पर 65 मार्केट्स, दुकानें सील, 256 गाड़ियों को जुर्माना हुआ, जबकि 24 घंटे में गिलगित बल्तिस्तान में SOPs की 194 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गयी, जिस पर 60 मार्केट्स, दुकानें और 1 इंडस्ट्री सील हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिलगित बल्तिस्तान में 59 ट्रांसपोर्टर्स पर भी जुर्माना हुआ है। पंजाब में SOPs की 2,227 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई, जिस पर 402 मार्केट्स, दुकानें, 5 इंडस्ट्रीज पर जुर्माना किया गया। सूबे में 718 गाड़ियों को जुर्माने हुए। बलूचिस्तान में SOPs की 695 खिलाफ वर्जियां सामने आई, जिस पर एक्शन लेते हुए इंतजामिया ने 68 मार्केट्स और दुकानें सील की, जबकि 282 ट्रांसपोर्टर्स को भी जुर्माने किए गए हैं। सिंध में SOPs की 761 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई, सूबे में 34 मार्केट्स, दुकानें, 3 इंडस्ट्री सील, 5 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs की 3,879 खिलाफ वर्जियां देखी गई और 211 मार्केट्स, दुकानें सील, 112 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए।